आत्मसंतुष्टि का साधन है दान। जन्म के पल मनुष्य के जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल होते हैं। परिजनों को उसके आने की उत्सुकता होती है। उसके जन्म से पूर्व ही उसके भविष्य को लेकर कई सुनहरे सपने देखे जाते हैं। वह जैसे जैसे बड़ा होता है जीवन की कठोर वास्तविकता से जुड़ता जाता है और उसकी आशाएं घटती जाती हैं। आशावादिता सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। जब जीवन में आशा बलवती नहीं होती तो मनुष्य का मन प्रफुल्लित नहीं रहता और रुचि का भी अभाव होता है। ऐसी स्थिति में कार्य एक विवशता और कर्तव्य बन जाता है। ऐसे कार्यों से भले ही धन अर्जित कर लिया जाए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, किंतु उल्लास उत्पन्न नहीं होता। आशाओं का संबंध अंतर्मन से है। आशाएं जब पूरी होती हैं तो मन को संतुष्ट व संतृप्त करती हैं, जबकि धन पद शक्ति का अर्जन कामनाओं को उत्प्रेरित करता है और संवेग बढ़ाता है। मन को संतृप्त करने वाली आशाएं वास्तव में क्या है? मन तब प्रफुल्लित होता है जब वह स्थिर हो जाए या संतुष्ट हो जाए। ऐसा संचयन से नहीं बल्कि अर्पण से होता है। लेना सांसारिक मनुष्य का चरित्र है, जबकि देना ईश्वरीय तत्व है। केवल ईश्वर ही है जो दे रहा है, युगों युगों से दे रहा है। देना कर्म नहीं है अपितु आत्मसंतुष्टि है। जब मनुष्य आत्मसंतुष्टि की आशा के साथ जीता है तो दया क्षमा उदारता परोपकार संयम और सहजता जैसे गुण स्वयं ही विकसित होने लगते हैं। किस कार्य से मनुष्य को आत्मसंतुष्टि मिल रही है ये उसे स्वयं ही समझना और तय करना होता है। वह जीवन में जो भी कार्य करे इस विश्वास के साथ करे कि ये उसे आत्मिक संतुष्टि प्रदान करने वाला है, तब ये भावना या कार्य जीवन का मुख्य उत्सव बन जाता है। मनुष्य का हर भला कार्य उसे नया जन्म देने वाला सिद्ध होता है। ये अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा के साथ ही सुख का स्रोत भी बन जाता है। आज समाज महापुरुषों का स्मरण इसलिए करता है क्योंकि उन्हें आत्मसिद्धि प्राप्त थी, जिससे पूरे समाज का उपकार हुआ। आशावादिता सदैव जीवित रहती है।